सोलन में कोरोना न फैले इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। शुरुआती तौर पर यह देखा जा रहा था कि लोग कोरोना वैक्सीन लगाने से डर रहे थे, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। यही कारण है कि अब सभी लोग कोरोना वैक्सीन बिना डर के लगा रहे हैं। कंडाघाट में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा वृद्धों को वैक्सीन लगाई गई। वृद्धों में किसी भी तरह का डर देखा नहीं गया। ये जानकारी प्रभारी नागरिक चिकित्सालय कंडाघाट पीएस नंदा ने मीडिया को दी। अधिक जानकारी देते हुए प्रभारी नागरिक चिकित्सालय कंडाघाट पीएस नंदा ने बताया कि अस्पताल में करीबन 10 वृद्धों को कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। वहीं इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब शहरवासी बिना किसी डर के अस्पताल आ रहे हैं और स्वेच्छा से कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्हें यहां समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन से कोई भी गलत प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि लोगों के दिलों से अब कोरोना के प्रति जो डर पहले देखा जा रहा था पूरी तरह से निकल चुका है। आज कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत जो सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में हमारे जो वैक्सीनेशन हुए हैं उसी कड़ी में आज भी हमने वैक्सीनेशन किए हैं। अराउंड 30 के वैक्सीनेशन किए हैं, जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं, जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी हैं, जिसमें जो कि है फर्स्ट डोज वाले भी हैं और सेकंड डोज वाले भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमने जो है जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए और वैक्सीनेशन करवाइए। इसी तहत में और आज भी जो है 10 से ज़्यादा लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो हमारे पास आए हैं सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। एंड मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उसके बाद जो आपने जो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटोकॉल दिया है लाइक आपका जो मास्क पहनना एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड ये सब जो चीज़ें हैं उसको भी फॉलो कीजिए।